नमस्कार अतुल संसार, आपकी खबरों का संसार। खेतड़ी नगर कॉपर टाउन में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर शुक्रवार को आदिवासी मीना सेवा संघ के प्रदेश प्रधान सुरेश मीना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल खेतड़ी नगर SHO किरण यादव से मिला। सुरेश मीणा ने बताया कि 29 मई को खेतड़ी नगर के थर्ड सेक्टर E39 व E101 में रहने वाले सुरेश मीणा पुत्र जगजीत प्रसाद मीणा गांव मंडावर एवं संजय मीणा पुत्र जयसिंह मीणा बुजड़ा कोटपुतली हाल खेतड़ी नगर के चार के चोर लाखों रुपए का नकदी व सामान चुरा कर ले गए, जिसके मुकदमे के 7 दिन बाद भी पुलिस घटना पर कोई तफ्तीश नहीं कर रही है। खेतड़ी कोपर थानाधिकारी से बहुत सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए हम लोग मिले हैं। देखिए, यहाँ पर प्रवासी लोग हैं। खेतड़ी नगर के अंदर कॉपर प्रोजेक्ट के अंदर ताम्र परियोजना के तहत से बहुत सारे कर्मचारी यहाँ पर हैं और इन कर्मचारियों की अधिकारियों की सुरक्षा का जिम्मा थाना अधिकारी का है, पुलिस का है। और ऐसे में यहाँ पर लगातार चोरी होना, चोरी की घटनाएं होना, ये एक कहीं न कहीं सवाल खड़ा करती है पुलिस के ऊपर। और इन चोरों का घटना के 10 दिन बाद भी खुलासा नहीं होना, ये और गलत बात है। इसलिए हम झुंझुनू के पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र जी शर्मा, एडिशनल SP वीरेंद्र जी से भी हमने बात की है और उनको भी हमने अवगत कराया कि खेतड़ी कॉपर के अंदर जो थर्ड सेक्टर के अंदर जो चोरियां हुई है, उन चोरियों का समय रहते खुलासा होना चाहिए। आज हम गांधी बन के आए हैं और बिल्कुल गाइडलाइन की पालना करते हुए हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि हमारे लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे हैं, चोरियों का खुलासा नहीं हो और आप यूं ही मौज मस्ती करते रहें। SHO से हमारी बात हुई है, SHO ने कहा है कि मैं इनकी BTS निकलवा रहा हूँ, मोबाइल टावर की जो लोकेशन है, कौन संदिग्ध व्यक्ति उन लोकेशनों में आया और 29 तारीख की भी जो घटना थी उसको लेके हम एक्टिव हैं। अनुसंधान भी हम चेंज कर रहे हैं और धन्यवाद इस बात का भी देना चाहता हूँ मैं कि आज SHO ने थर्ड सेक्टर के अंदर 2 होमगार्ड के जवान लगाने की घोषणा की है। उसके साथ में ही SHO ने कहा है कि मैं 2-5 दिन में ही एक नए अनुसंधान अधिकारी के रूप में सुबह सिंह को तफ्तीश देके और इस केस की मॉनिटरिंग करवा रहा हूँ और स्पेशली 5 या 6 लोग मैं लगा रहा हूँ इसमें, जो इन चोरियों का ही ध्यान रखेंगे और इन चोरियों का खुलासा करेंगे। साथ में उन्होंने गश्त बढ़ाने की भी बात कही है और हमने भी SHO से मांग की है कि SHO साहब, कोपर खेतड़ी के अंदर इस तरीके की घटनाएं होना बहुत ही गलत है, क्योंकि एक और लॉकडाउन धारा 144 और ऐसे पीरियड के अंदर चोरियों की घटना अच्छी नहीं है, निंदनीय है और इन चोरों का को पकड़ के और इन चोरियों का खुलासा किया जाए, हमने ये मांग रखी है। और पुलिस अतुलित संसार, आपकी खबरों का संसार। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।